गाइस क्या आपका भी ब्रा फैट बहुत ज्यादा है, तो बस मेरी बताई हुई एक्सरसाइजेस को 15 डेज फॉलो कर लीजिए, आपका ब्रा फैट, आपके बल्जेस बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि अगर आप अपने ओवरऑल बॉडी में जहां भी फैट है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है आपका लेट नाइट डिनर करना, तो मैक्सिमम टाइमिंग आपका डिनर का होना चाहिए 8 बजे तक आपको डिनर कर लेना है। पानी का ज्यादा आप रेशियो बढ़ा दें 3 से 4 लीटर। तीसरी चीज, अपनी डाइट से प्लीज शुगर और सॉल्ट को कम कर दें। इन 3 चीजों को फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने अपने हैंड्स को इस तरीके से रखना है और उसको डाउन साइड ले जाते हुए पूरा स्ट्रेच करना है। मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। आपने इस तरीके से हैंड्स रखा और उसके बाद आप पूरा बैक की मसल को स्ट्रेच करेंगे। जब स्ट्रेच करेंगे तो आपको इस जगह पे काफी पेन होगा और आपकी मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी आपकी मसल पूरी तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपको प्रॉपर पेन होगा इस एरिया में, और जो ये वाला पेन होता है यही आपका यहाँ का जितना भी ब्रा फैट है उसको ये ख़त्म करता है। तो आपने इस तरीके से करना है 20 times, 10 seconds रेस्ट लेंगे और इसको टोटल हम जो करेंगे वो 100 times रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। डन, यहाँ पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसमें हम करेंगे आर्म्स रोटेशन। आपने एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है, बैक आपका स्ट्रेट रहेगा, आपका ब्रेस्ट एकदम जो चेस्ट है वो बिल्कुल आगे की साइड रहेगा, और उसके बाद में आपने इस तरीके से आपने सर्कल क्रिएट करना है, ठीक है। जब आप इस तरीके से शोल्डर को एकदम तनाकर रखेंगे, टाइट रखेंगे, तो आपकी बैक मसल बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगी। आपकी दोनों जो बैक बोन्स है उनमें इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा और यही कॉन्ट्रैक्शन आपके फैट को तोड़ेगा और वहां की मसल को टोन करेगा। बैक साइड से देखते हैं। डन, इसको भी आपने 100 times करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इस तरीके से हैंड्स को यहाँ पर रखना है और उसके बाद में पूरा रोटेट करते हुए आप देख रहे हो पूरा पीछे की तरफ जाते टाइम मेरा कमर बिल्कुल बैक स्ट्रेट है, पेट मैंने अंदर स्क्वीज करा हुआ है। कोर को एंगेज करेंगे तो आपका टमी भी कम होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरा स्ट्रेच देते हुए अपने हैंड्स को आगे लेकर आना है। जब आप पूरा स्ट्रेच करोगे तो आपको बैक मसल में बहुत ज्यादा पेन फील होगा, कॉन्ट्रैक्शन मसल का आपको फील होगा, वही बेस्ट पार्ट है। तो 100 times आपको इसको रिपीट करना है। मैं आपको प्रॉपर बैक साइड से दिखाती हूँ। डन, तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी लास्ट एक्सरसाइज की। आपने इस तरीके से हैंड्स को लेना है, आगे की साइड जो आना है और उसके बाद बैक साइड पे इस तरीके से पुश करना है पूरा फोर्स लगा के। बैक आपको स्ट्रेट रखना है और पीछे की साइड आपने दोनों हैंड्स को फोर्सफुली लेकर जाना है। बहुत सारे लोग आप ये पूछते हैं कि वर्कआउट के टाइम ब्रा पहनना जरूरी है। बिल्कुल मस्ट है कि आपको स्पोर्ट्स ब्रा जरूर पहनना चाहिए। इसको हम करेंगे 20 times रेस्ट, देन 100 times रिपीट करेंगे। ओके, डन। तो यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।